आप क्या कहेंगे? इसमें कहने के लिए बहुत कम है गौरव, क्योंकि जिस तरह का अंदर माहौल था, बड़े से बड़ा आदमी, छोटा सा छोटा आदमी, संत महात्मा जो भी वहां था वो मंत्रमुग्ध था, और वहां एक ही भाव था सबके मन में, और वो भाव था प्रभु श्री राम का। और जब प्रधानमंत्री वहां बोल रहे थे तो मैंने बहुतों के आंखों में आंसू भी देखे। जब कहा जाता है जय श्री राम आग बरसाता है, तो उन्होंने कहा आग नहीं ऊर्जा लाता है। आपको देखना चाहिए था कि वहां किस तरह लोग मंत्रमुग्ध थे। जो पूरा एक तरह से ओकेजन था, जो वहां का समा था, वो एक तरफ से हर्ष का भी था और एक तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा भाव ला रहा था कि इतने साल लग गए भारत जैसे देश में प्रभु राम को अपने घर आते आते। ये भाव जो है, ये भाव ही बताता है कि आज अंदर मंदिर में किस तरह का हमने कार्यक्रम देखा। और एक बार जब वो जो 84 सेकंड खत्म हुए, तो साध्वी रितम्बरा जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जितने स्वामी थे वहां नाचने लगे, झूम उठे। तो जो भी था वहाँ, और सबके हाथों में एक एक छोटी घंटी दी गई थी, तो सबने घंटी के साथ मंत्रोच्चारण भी किया, बस मंत्रमुग्ध होकर आज बाहर निकले हैं। मैम, आप लोगों ने बहुत लोगों से, आपने डिग्निटरीज से बात की, उनके क्या भाव थे? राम ने सबको एक कर दिया, सब एक मंच पर आ गए, सब राममय हो गए, क्या कहेंगी? बिल्कुल, हर किसी को इंतजार था, और शायद ही इस युग में इस पीढ़ी के अलावा किसी को ये मौका मिलेगा 500 साल बाद ऐसा आनंद लेने का। तो जो वहाँ मौजूद थे उन पर प्रभु की कृपा रही होगी, राम जी ने बुलाया होगा इसीलिए आए यहाँ सब, और जो भी आया मंत्रमुग्ध होके गया और शुभकामना करके गया कि इस देश में, इस विश्व में सुख शांति और सद्बुद्धि रहे। जो लोग टीवी पर देख रहे थे वो कह रहे थे वो रोमांचित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। आप अंदर मौजूद थी, कैसा लगा, किस तरीके का माहौल? स्क्रीन पर देखकर लोग रो रहे थे देश भर में कि भगवान राम उनके घर पर आ गए, अपने घर पर पधारे हैं। रोंगटे क्या खड़े होने थे, कभी आंख से आंसू बह रहे थे लोगों के, कभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कभी राम राम कर रहे थे, कभी जय श्री राम के नारे लग रहे थे। बस शब्दों में बयान करने के लिए मुझे लगता है शब्द कम पड़ जाएंगे। वहाँ जो सबके भाव थे शब्दों में तो बयान हो ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री का उद्बोधन ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, देश को एक करने को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, सबको एक मंच पर आने को कही, और मंदिर के तौर पर नहीं, एक आदर्श के तौर पर, एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर उन्होंने मंदिर को लाने की बात कही। प्रधानमंत्री का उद्बोधन कितना ज्यादा मोटिवेटिंग था? बहुत लोगों ने वहाँ प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध होकर सुना, और जो उन्होंने बात कही वो बात जितनी साधारण लग रही थी उनका मायने उससे बहुत ऊपर था, और वो मायने देश के हर नागरिक के लिए भी था और विश्व के लिए था। वो पुल बांध रहे थे और इंसान से इंसान की सूत्र को बांध रहे थे। गौरव, शब्दों में अब और कुछ कहने के लिए रह नहीं गया, बस राम राम करके निकले हैं, रोम रोम में राम, यही यही भाव है मन। तो ये हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार जी जुड़ी, और जितना शब्दों में वो बयां कर सकती थी वो यहाँ पर पहुंची, और फिलहाल चूंकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, तो फिलहाल वो यहाँ से निकलती हुई, और तमाम जो गेस्ट हैं वो भी आपको तस्वीरों में यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, और भी जो